मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे। कोरोना वायरस, यह नाम सुनते ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई देती है, और दिखेगी भी क्यों नहीं, आखिर इसका प्रचार प्रसार और भ्रांतियां इसी प्रकार तो फैलाई गई हैं। जिधर देखो उधर डॉक्टरों से लेकर न्यूज चैनल तक और सोशल मीडिया तक आपको सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलेगी, कोरोना वायरस खतरनाक है, यह लोगों की जाने ले रहा है, इससे बच के रहना, इससे कैसे बचें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आदि आदि की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। काफी झोला छाप डॉक्टर और सोशल मीडिया ग्रुप्स के लोग दवाइयों का लिंक शेयर कर रहे हैं, यह दवाई खाइए आप ठीक हो जाएंगे, आपको कभी भविष्य में कोरोना वायरस नहीं होगा, यह जानते हुए भी कि कोरोना वायरस का फिलहाल किसी के पास भी कोई उपचार नहीं है। कुछ भी बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको भले ही न पता हो, लेकिन डॉक्टरों एवं सोशल मीडिया वालों को जरूर पता है। डॉक्टरों को पता है कि मरीजों को उपचार देने से पहले इसके नुकसान बताएं, ताकि वो और भयभीत हों और वो हमारे कहे अनुसार जितना चाहें उतना खर्चा कर सकें। इसी प्रकार सोशल मीडिया वाले को पता है कि जितना हो सके उतना डर फैलाइए, क्योंकि जितना लोगों को डराया जाएगा, जितना लोगों को भ्रमित किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस देखेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग हमारे टीवी चैनल्स देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के MBBS का एक छात्र, बिहार के PhD का एक छात्र, बेंगलुरु के दो व्यक्ति अस्पताल में अपनी स्वास्थ्य जांच कराने पहुंचे थे। उन्हें संदेह था कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं है, क्योंकि उन्हें खांसी जुखाम एवं सर दर्द जैसी समस्या थी। फिर क्या, सोशल मीडिया को पता लगा कि कोई व्यक्ति अस्पताल में कोरोना वायरस की जाँच कराने पहुंचा है। आओ देखा न ताओ, सीधे मीडिया ने खबर फैला दी कि राजस्थान में एक, बिहार में और बेंगलोर में दो व्यक्ति कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। और मजेदार बात तो यह है कि इन्होंने ये खबर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नहीं, बल्कि डर का माहौल बनाने के लिए फैलाई गई थी, ताकि लोग टीवी चैनल्स को अधिक से अधिक देखें, वो TRP बढ़ाएं और हम उनसे पैसा कमाएं। अब तक चाइना से 33,552 लोग भारत आ चुके हैं, सभी की स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच की गई है, कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में नहीं है। आयुर्वेद ने कहा है कि जब डर अपनी सीमा को लांघ चुका हो एवं किसी के पास इसका उपचार न हो, तब आपका शरीर ही आपका चिकित्सक है, आपका शरीर ही आपकी जान बचा सकता है, और वो तरीका है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके। एवं अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे आसान और सटीक तरीका है उपवास। यदि आप सप्ताह में एक बार उपवास रखते हैं, एक बार व्रत रखते हैं, तो आपके शरीर में उपस्थित कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के वायरस भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ भविष्य में होने वाली अनेक बीमारियां जो कि हमें पता तक नहीं होती, उनका भी उपचार हो जाता है। यह बात सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि अब तो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी मान चुकी है। यहाँ पर मैंने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की बात इसलिए की क्योंकि हमारे भारतीय लोगों को कोई भी बात तब तक नहीं पसती जब तक कि उस बात पर पश्चिमी देशों की मोहर नहीं लग जाती। खैर, उपवास के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अब आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि सप्ताह में यदि आप एक बार उपवास रखते हैं तो भविष्य में आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियां छू भी नहीं सकेंगी, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। साथ ही साथ आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों का पालन भी कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है तुलसी के पत्तों के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः 10 तुलसी के पत्ते 3 गिलास पानी में उबाल लीजिए, साथ ही साथ उसमें 2 काली मिर्ची को पीसकर डाल दीजिए। अब अच्छे से पानी को गर्म कीजिए और उसे छानकर ठंडा करके पी लीजिए। दूसरा है नीम के पत्तों के द्वारा। यदि आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो उसके पत्तों को खाली पेट चबाकर खाइए। नीम के पत्ते शरीर में जमे कफ को दूर करने के लिए बड़े ही लाभकारी साबित होते हैं। तीसरा है गिलोय के द्वारा। यदि आप गिलोय के पत्ते या फिर गिलोय को सुबह चबा चबा कर खाते हैं, उसके रस का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हजारों गुना तक बढ़ जाएगी। लेकिन ये कार्य सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर नहीं, बल्कि लगातार करने से ही होंगे। अब आखिर में जान लेते हैं कुछ सामान्य से नियम, जिसमें सबसे पहला है आपके शरीर को पानी की आपूर्ति। इस मौसम में आप हर एक पहर में
मतलब हर 3 घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। दूसरा है, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में यात्रा कम करें तो ही अच्छा होगा। तीसरा है, लोगों से हाथ मिलाने से बचें, क्योंकि अक्सर लोग हंसते छींकते या फिर खांसते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को अपने मुंह पर लेके जाते हैं, जिससे कि सबसे पहले कीटाणु उनके हाथों के संपर्क में आते हैं और उन्हीं हाथों से हम अपना हाथ मिलाते हैं। तो आगे आप समझ ही गए होंगे। चौथा है, कम से कम ठंडी चीजों का सेवन कीजिए ताकि संक्रमण फैलने के अंदेशा कम से कम हो। यदि आपको इस समय सर्दी खांसी हो जाए तो डरे नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बीमारी लोगों को हो या न हो, लेकिन यदि बीमारी होने का डर लोगों को हो गया तो वो बीमारी लोगों को 101% हो ही जाती है। अतः यदि आप खांसी जुखाम से पीड़ित हों तो इसका उपचार सिर्फ खांसी जुखाम की तरह ही करें, कोरोना वायरस के होने की बीमारी का अंदेशा न पालें, खुद को या अपने परिवार को न डराएं। और यदि दोस्तों आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आपको कुछ सीखने या जानने को मिला हो तो नीचे जय राज दीक्षित जय वंदे मातरम लिख सकते हैं। इसी के साथ मेरी तरफ से जय राज दीक्षित जय गो माता वंदे मातरम।